ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे रेडी हो गए? लगता है निकल गए ये लोग। चलो अच्छी बात है, हमारे दो रूम रहते हैं ना, ये टीममेट्स का रूम है, मैं और एक हमारा कलीग मेरे साथ ही है। कल से लेके अभी तक मैं कम से कम 3 या 4 बार अपने रूम से बाहर तक गया हूँ, रिसेप्शन तक, और हर बार ना कंफ्यूज हो के गया हूँ, समझ नहीं आता लेफ्ट राइट, आप घूमते रहो अंदर। मतलब अच्छी प्रॉपर्टी बनी हुई है, लेकिन थोड़ा वो डायरेक्शनल बोर्ड्स लगा देंगे ना, रूट टू रिसेप्शन। हाँ हाँ पहुँच गए सामने ही है। हाँ जी भाई साहब, रेडी हो आप लोग? हाँ जी देवनाथ जी, गुड मॉर्निंग। ओ आप तो बड़ी जल्दी पहुँच गए। वैसे अभी समय हो रहा है 4:20, आप हमें टाइम पे हैं वैसे? लेट टाइम? हाँ ठीक है, हो जाएगा, चलेगा ना? हाँ आप बैठ जाइए। मेरा भी हो गया। चलो बढ़िया। इसका नाम जहाँ हम जा रहे हैं काला पत्थर, काला पत्थर है। क्यों है काला पत्थर? जो लोग फिशिंग में जाता है यहाँ का, जो लोकल लोग, वो लोग को पत्थर देख के बोलते है काला पत्थर है, तो उसी टाइम से काला पत्थर हो गया। बहुत बड़ा चट्टान है, बहुत बड़ा चट्टान था। हाँ। 2004 में जब सुनामी हुआ था, वो सुनामी का टाइमिंग में वो चट्टान टूट गया था। अभी भी उसका कुछ थोड़ा सा है बचा हुआ, आप जाने से देख सकता हूँ। आपने लौट कर वापस हम अपने होटल आ गए हैं, TSG ब्लू रिजॉर्ट। मैंने आपको कहा था ना कि अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, अब आप देख लो सराउंडिंग्स कैसी हैं। मैं तो स्विमिंग पूल के पास तक गया भी नहीं, लेकिन अब चल पड़ता हूँ 2 मिनट के, और आपको स्विमिंग पूल दिखा देता हूँ। हम लोग जैसे कहीं रह रहे होते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो बहुत बार तो वो जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाते जहाँ पर हम रह रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। नॉट रियली शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट थोड़ा हमारा फोकस ना एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा होता है, शॉर्टेज बोलना तो गलत होगा। और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मेरे को ये प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है, स्पेशली 2-3 चीज़ें खास, जैसे कि स्टाफ का सर्विसिंग लेवल्स अच्छे हैं, एक बार कोई चीज़ बोलो तो कर देते हैं। ऐसा मैंने कल 2-3 बार जैसे सॉल्ट मंगाया, टॉवल मंगाया, तो फट 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 एवरीथिंग वॉज फाइन। और यहाँ पर बगल में बहुत सारे ट्रीज़ हैं जिसमें सुपारी के पेड़ हमको देखने को मिल रहे हैं। ये बगल में देखो, सिर्फ तो सुपारी है, एक दो नहीं है, ये सब सुपारी है। और अभी सुबह जब हम वहाँ गए थे ना सनराइज़ देखने के लिए काला पत्थर, और काला पत्थर से हम जा रहे थे राधानगर बीच के रास्ते में, तो मैंने देखा था बहुत सारे सुपारी के पेड़ आते हैं रास्ते में, वो तो पूरा फार्म है सुपारी का। बाकी नाइस प्रॉपर्टी। चलिए अब हम यहाँ पर ना नहा के फ्रेश हो जाते हैं और फिर यहाँ से चलेंगे। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:20, 8:20, 8:30 बजे निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, हम लोग ना हैवलॉक पे स्कूबा करने के लिए पहुंचे, तो ये लोग मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे अस्थमा होता है, बीपी का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने बताया मेरे को माइल्ड बीपी है, जिसकी मैं मेडिसिन ऑलरेडी पिछले 4-5 साल से ले रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि बीपी के साथ हम लोग अलाउ नहीं कर सकते, तो आप कुछ और एक्टिविटी कर लो जिसमें जो स्नॉर्कलिंग कर लो। तो मैंने बोला कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने 5 साल पहले भी करी थी जब मैं केरला गया था, तो ये कह रहे हैं नहीं यहाँ पर ना ये स्ट्रिक्टनेस लेवल ज़्यादा है, तो हम लोग आपको अलाउ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लो कि यू आर फिट फॉर डूइंग, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट डॉक्टर आपकी बीपी की मेडिसिन जान लेगा, आप कौन सी दवाई ले रहे हो, तो ही विल बी एबल टू सजेस्ट एंड द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट। तो अब मैंने सोचा एक काम करते हैं, नज़दीक में हम हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर को विजिट करते हैं, और डॉक्टर ने लिख के दे दिया अगर हमें कि इट्स ओके तो अच्छी बात है, और फॉर डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप फिट नहीं हो स्कूबा के लिए तो फिर छोड़ देंगे। अभी यहाँ पर मैं हैवलॉक आइलैंड में मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर विजिट करने के लिए आया। अंदर जाके मैंने डॉक्टर को विजिट किया, तो उन्होंने मेरा बीपी चेक किया तो एकदम परफेक्ट आया। तो बोले कि क्यों आयो, तो मैंने उनको रीजन बताया कि मेरे को स्कूबा के लिए एक आपसे अप्रूवल चाहिए कि आई एम मेडिकली फिट। तो उन्होंने फिर चेक करके, बेसिक पैरामीटर्स चेक करके मेरे को बोला कि इट्स फाइन, यू कैन डू स्कूबा। अब हम यहाँ से
स्कूबा सेंटर चलते हैं जहां पर जाकर हमको स्कूबा करनी है। हम कल जब पोर्ट ब्लेयर से इधर आ रहे थे ना, तो हमारा पावर बैंक और चार्जर छूट गया था, तो वो हमें कब मालूम चला, जब हम नीचे हैवलॉक उतर गए तो एकदम से मैंने भैया को आवाज़ मार के बोला कि हमारा पावर बैंक और चार्जर छूट गया, तो थोड़ा सा हम बातचीत कर ली और अभी देखो ये ले आए हैं। पहले मैंने टीम मेम्बर को भेजा, मैंने बोला कि आप जाके ना ले आओ, तो भैया के तक पहुँच गए। इन्होंने बोला मेरे पास चीज़ है लेकिन दूंगा उसी को जिसने मेरे को आवाज़ मारी थी, क्यों तसल्ली हो जाती है ना। तो भैया अभी साथ आगे कहते कि ये देखो भैया आपकी चीज़ है। और वैसे मैं जो अंडेमान का हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना, उसमें हमें इतना समझ में आ रहा है कि चीज़ अगर आप खुद घुमा दो तो अलग बात है, कोई लेके जाएगा नहीं। अंडमान की खासियत यही है कि कोई चीज़ कोई चोरी नहीं करेगी, कोई भी चीज़ किसी के मिलेगा। बड़ी देखो ये जो अच्छी चीज़ है वो हाईलाइट करनी ज़रूरी है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल हिंदुस्तान में हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि हम फट 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 सुना दें, कम होंगे। कुछ एक है एरियाज जहाँ पर ऐसे है, बट ये काबिल तारीफ चीज़ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पोर्ट ब्लेयर के। पोर्ट ब्लेयर के। तो अभी जैसे हम यहाँ से चले हैं 2:30 बजे, तो हम कितना देर लगेगी नीला आइलैंड पहुँचने में? 2:45 में पहुँचते, मतलब 1 घंटा और 15 मिनट। 1 घंटा 15। आपकी इस गवर्नमेंट फेरी का नाम है चोलधरी। चोलधरी तो गवर्नमेंट फेरी में अलग अलग नाम भी होंगे या चोलधरी एक ही चलती है? बहुत सी पैसा चोलधरी है, वंडूर है, बुम्बुगा है, नॉर्थ पैसेज है, बहुत किस्म का 13 शिप है। तो फेरी का नाम ध्यान रखने का जी, उसे पता लगता है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स थैंक्स। नील आइलैंड पे जट्टी से उतरने के बाद हम लोग लक्ष्मणपुर टू बीच आ गए। अच्छे से हमने कोरल्स देखे, अब पाँव पूरे गीले हो गए थे, मैंने सोचा कि नीचे गाड़ी में तक पहुंच जाता हूं और जूते मैं 15-20 मिनट के बाद पहन लूँगा। अब सीन ये हो गया कि हम यहां रोड पे खड़े हैं और जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो कहीं चले गए। अब मैं फ़ोन किया कि भाई कहां पर हो, कह रहे मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूं। चलो खैर एनीवेज, अब मेरे को देखो ऐसे मैं खड़ा हूं रोड के ऊपर क्योंकि पाँव अभी भी गीले हैं और नीचे ना मच्छर काट रहे हैं। अब मच्छर काट रहे हैं, देख जाएगा रुक भी नहीं पा रहा। हाँ जी आकाश भाई, कहाँ चले गए थे आप? दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट पे कहाँ पे? दूसरा पॉइंट पे कहाँ पे? लक्ष्मणपुर वन में। किसी को पिकअप ड्रॉप करने? अच्छा, तो आप इधर ही वेट कर लेते पे? यहीं पे हमारा, हम आ जाते, लगेज था ना हमारा गाड़ी में। लगेज तो ऐसी है। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मान लो अगर आप रुक जाते तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता, हम लोग आधे घंटे में तो आने वाले थे। आप तो अभी आए हैं ना? आधे घंटे में आने वाले थे क्योंकि अंधेरा होने वाला था ना, हम यहाँ पे आए हैं 4:45 बजे। हम तो बोला 10 मिनट पहले फोन करने से हम आ जाएगा, ऐसे तो बोला। अच्छा शाम के 7 बजे का टाइम है, हम लोग नील आइलैंड में रॉयल नील रिजॉर्ट में जहाँ पर हमने रहने के लिए अकोमोडेशन ली है। एज़ ऑलवेज जब मैं होटल में आता हूँ रूम में चेक इन करता हूँ तो मेरे माइंड में ना उस समय कुछ और नहीं होता, यही होता है कि डेटा कॉपी का काम फटाफट करूँ, क्योंकि ये एक ना काम ऐसा है जिसको छोड़ दिया या सोचा 2 घंटे बाद तो फिर तो लटक गए। एनीवेज पहले मेरा मन था बाहर जाके डिनर करूँ लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब कल सुबह सनराइज़ देखने के लिए जाना है, जिसका मतलब है दोबारा से हम लोग 4:30 बजे निकलेंगे, जिसके लिए 3:15 बजे उठेंगे, आज भी 3:15 बजे उठे थे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैंने डिसाइड किया इधर ही हम डिनर कर लेंगे, अच्छा रहेगा। तो मैंने डिनर से पहले ना अपने लिए चिकन सूप मंगा लिया, मैंने कहा चलो चिकन सूप पीते हैं साथ साथ अपने ईमेल से करते हैं।
सही सूप बना है। इसमें किसी भी तरह से मुझे नहीं लग रहा मैं किसी रेस्टोरेंट का चिकन सूप पी रहा हूँ, एकदम होमली टेस्ट है। हमारे रूम के बाहर ना ये बड़ा खूबसूरत सा गार्डन है, यहीं पर बैठ के हम लोग अपना डिनर कर रहे हैं। मैंने दो डिश मंगाई है अपने लिए, एक तो एक गोभी मटर है। सर्विंग क्वांटिटी तो अच्छा लग रहा है, जैसे इतना दो में तीन लोग आराम से खा सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये है टूना फिश। गोभी मटर देखो ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सादगी टेस्ट में, जिस तरह से उन्होंने सूप बनाया था तो मेरे को अच्छा लगा। बहुत अच्छी बनाई फिश। दो बातें खास है इसमें फिश में, एक तो ये कि फ्रेश है, ये तो खाने से एकदम से मज़ा आ रहा है, और दूसरी खास बात ये है कि प्रिपरेशन अच्छी है। आज का हमारा ये एपिसोड हम यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको बाय बाय, कल हमें दिन की शुरुआत काफ़ी जल्दी करनी पड़ेगी, सुबह मॉर्निंग में सनराइज़ देखने जाएंगे, उसके बाद हमारे को 11 बजे फेरी लेनी है पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए। तो हमारे पास कल ज़्यादा समय नहीं होगा, सुबह 4:30 बजे से लेके 10:30 तक का टाइम है, या 10:15 लगा लो, क्योंकि जहाँ भी होंगे 10:15 बजे वो जगह छोड़नी पड़ेगी ना, तभी तो हम आधा घंटा पहले जट्टी पर पहुँचेंगे। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पर बाय बाय। Thanks for your time.